तू कहा चाहता है क्या हम बाबू से बंटवारा के बात करें? हाँ, जो वो बंटवारा के बात कर ही के पड़ी। अरे ये काम तो बहुत पहले हो जाए के चाहत रहे। सुना, ये घर में बंटवारा कभी ना हुई। हम बाबूजी का वचन दे चुके। बाबूजी के वचन देवे से पहले अपना बाल बच्चा के भविष्य के बारे में भी सोचे के चाहत रहे। काहे? तो हर बाल बच्चा के भविष्य के का होए? दो दिन पहले बेटी के ब्याह के निया 10 लाख रुपया खर्चा भई। ये पैसा कहाँ से आए? ये घर से ना? तो कौनो खराद का पैसा नहीं दे ला सलोग, ये हमने के हक का पैसा रहे। चुप रहा तू, जब तक हम जिंदा हैं केकरो कोनो हक नहीं के, जब हम मर जाए तो सब हक जताइए। हाँ, कहे ना जिंदगी के 10 बरिस भौजाई के नाम पर होम का देनी, ओकरा बादो अकेला खुलल रहूं। चुप रहा, अपन अकेले अपने पास रखो, हमरा अकेले देवे के कोनो जरूरत नहीं है। एक बात कह दे, बंटवारा ना हुई तो ना हुई। अरे रउआ कहला से बंटवारा ना हुई? रउआ ना बोले तो रउर बेटा बोली। हम तो खाली चुप रही है अपना बेटी के चलते कि ओकरा ब्याह में कोनो बखेड़ा ना खड़ा होके। अब तो ब्याह हो गई, अब हम चुप ना बैठे। अब पापा जब कहत रहे तो कुछ दिन खाली चुप लगा जो। चुप रह, चुपे रहने का तो नतीजा है कि बैठ के राज करता रह सन। हाँ, तोरा दादाजी के कहा उठिए और चल दिए तीरथ करे। एजा केम होगी भोगे के पड़ी हमरा नु और हमरा लड़का फेंका के। दूसर के दोस्त देखे कुछ ना होगी, गलती आपन है। अगर अत्याचार से अबू तो दूसर अत्याचार करबे करी। ठीक है, कहत रहे बहुत हो गई। अब हम ना सहे। तू दुनु भाई जो आ जाके सब राम कहानी सुनाओ अपना दादाजी के। जो दुनु माई माई पापा के पता चली तो एकदम चिल्लाए लगी हूँ। जाके कह दे कि अपन भैया के खड़ा हूँ पूजा से। तू दुनु जो आ जाके दादाजी के कह कि बंटवारा कर दी। दादाजी क्या है? हम नहीं दादाजी, रुद्रा और बंटी। रुद्रा बंटी, बंटी आओ बैठ। क्या बंटी, स्नेहा के यहाँ से कौनो खबर आईल का ना? ना, कहाँ कौनो खबर आईल। तू छोटा जाके एक बार मिल आवा, तोहरा देख के ओकरो मन खुश हो जाए। दो चार दिन में हम जाए हो जाए, कले वाले कैसे हूँ हमके जाए के पड़े हो जाए। कहो रुद्रा, तू बहुत चुप बड़ा, कुछ कहे के बा? जी दादाजी, हमने चाहता नहीं कि अब हमने के बीच बंटवारा हो जाए। हमनी के बहुत तकलीफ हो रही है। चूल्हा चक्की तो दादाजी पहले ही अलग हो गई, मैं बाकी चीज भी अब। अपना बाप से पूछ ला है, वो का चाहता है? माई चाहत अड़े कि बंटवारा हो जाओ। खाली माई के चाहला से तो ना हुई,
तू लोग के चालासी हो, जाके अपना बाप से बात करो, पूछिए तो बंटवारा कर देगा। बाकी दिक्कत हमनी के बाद, हमनी दोनों भाई चाहता नहीं कि हमनी के हिस्सा बांट के मिल जाए। अभी हम जिंदा बानी तो हर बाप जिंदा बाड़े है, बाप दादा के जिंदा रहते हैं, कुछ दली संपत्ति पर तू लोग के कौन अधिकार नहीं। नया लड़का बाड़ो तू लोग, पारिवारिक झगड़ा झंझट से मन हटा के कुछ काम धंधा के बारे में सोचा लो। इस तरह संपत्ति कहीं भागल नहीं खिंच जाता। चलो जी दादाजी।